हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। आज हम कंटिन्यू करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट देख लिया बच्चे लोग, हमने कंपैरेटिव देख लिया, अब एक लास्ट पार्ट बाकी है, वो है कॉमन साइज। हम फिलहाल बैलेंस शीट कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर आने वाले टाइम में हम लोग क्या करेंगे, रेवेन्यू स्टेटमेंट। तो फिलहाल हम लोग बैलेंस शीट पर फोकस कर रहे हैं। मैं एक ही बात बोलूंगा, आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होना चाहिए तो ही आपको मजा आएगा। आज हमारा नया कंसेप्ट क्या, कॉमन साइज स्टेटमेंट। वेरी इजी चैप्टर, आप इसको छोड़ नहीं सकते। ओके, फोकस करते हैं। आपको वही हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट दिया रहेगा, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है बच्चे लोग, वर्टिकल में, एकदम आराम से। देखो कुछ बातें साथ में करते हैं, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ पे आ जाएगा याद करो, शेयर कैपिटल। ओनर्स फंड याद आया कि नहीं, प्रेफरेंस भी कहाँ पे आएगा, ओनर्स फंड में, शेयर कैपिटल। रिजर्व सरप्लस भी कहाँ पे आएगा बच्चे लोग याद करो, ओनर्स फंड। ओनर्स फंड में कहाँ पे आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस का हमने एक हेडिंग बनाया है। अनसिक्योर लोन, सिक्योर लोन कहाँ पे आ जाएगा, बोरोड फंड। होप्स आपको फॉर्मेट अच्छे से याद हो। करंट लाइबिलिटी कहाँ पे आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो हमको समझे फॉर्मेट में कौन कहाँ पे आ रहा है। फिक्स असेट तो फिक्स असेट ही है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ही है। करंट असेट कैसे कहाँ पे आएगा, वर्किंग कैपिटल, बिकॉज वर्किंग कैपिटल कैसे मिलता है बच्चे लोग, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। सबको मेरी बातें समझी। अब पॉइंट टू बी नोटेड, ये ईयर ये क्वेश्चन में हमको 2 ईयर्स का डेटा दिया है, ये कंपेरेटिव नहीं है बच्चे लोग, ये कॉमन साइज है। कैसे करते हैं मैं बताऊंगा, पर कॉमन साइज ये सब बात की बात, पहले आपको अपना बैलेंस शीट बनाने को आना चाहिए। तो वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट याद करो, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। बच्चों लोग याद है कि नहीं है, सोर्सेज ऑफ फंड में क्या आएगा, सोर्सेज ऑफ फंड दो पार्ट में डिवाइड है, ओनर्स फंड, बोरोड फंड। ओनर्स फंड में तीन बातें, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, फिक्टिशियस असेट, बराबर। चलो ठीक है, मैंने आपका काम बहुत आसान कर दिया है। कॉमन साइज बैलेंस शीट बच्चों लोग एकदम सिंपल है। पहले आप परसेंट को इग्नोर करो, 2 ईयर्स का डेटा दिया है, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018 बच्चे लोग यस ऑन नो। अब देखो सोर्सेज ऑफ फंड वही ओनर्स फंड, कैपिटल में इक्विटी है, प्रेफरेंस है, मैंने सारे अमाउंट लिख दिए। सही अमाउंट कहाँ से आ रहे, क्वेश्चन से आ रहे, बराबर। देखो इक्विटी है, प्रेफरेंस है, फिर रिजर्व सरप्लस है, तो 80,20,000 तो कितना हो गया, 1,20,000। ये कौन सा फंड है, ओनर्स फंड। सब में बोरोड फंड भी दिया है, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन 40+20=60, तो 120+60 फाइनल टोटल कितना है, 1,80,000। मतलब टोटल फंड्स अवेलेबल बच्चा कितना है, 1,80,000 टोटल फंड्स अवेलेबल। फिर एप्लीकेशन फंड में क्या आएगा, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, वो की वो ही रटी रटाई बातें बच्चे लोग, 1,20,20 और 40। ये आपको पहले भी बताया, अब भी फिर से बता रहा हूँ। तो फंड्स अवेलेबल और टोटल फंड्स अप्लाई, 1,80,000, 1,80,000। इन शॉर्ट सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन फंड का टोटल क्या होना चाहिए, मैच। तो पहले आप नॉर्मल करोगे, मैंने 1 ईयर का ही किया है, 2nd ईयर का नहीं किया, सुनो। तो पहले आप नॉर्मल क्या करोगे, 1 साल का है तो आप पहले 1 साल का क्या करोगे, अमाउंट परसेंट छोड़ो, परसेंट मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी कैसे निकालना है। आपको नॉर्मल सम करना है, सोर्सेज ऑफ फंड देखो, ओनर्स फंड बच्चे लोग वही है, बोरोड फंड, ओनर्स फंड में वही कैपिटल है, वही रिजर्व सरप्लस है, बोरोड फंड में सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन। फिर एप्लीकेशन फंड में तीन बातें, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। इन शॉर्ट टोटल फंड्स अवेलेबल और टोटल फंड्स अप्लाई, दोनों का टोटल बच्चे लोग क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, यस और नो। ये आपको बात आनी चाहिए, ये हमने पहले भी किया है, वर्टिकल फॉर्मेट। तो सर कॉमन साइज में नया क्या, अब मेरी बात सुनो, लॉजिक समझते हैं। कॉमन नाम में ही लिखा है कॉमन, कॉमन साइज बैलेंस शीट में करना क्या है, कॉमन लिखा है तो एक कॉमन अमाउंट से हम लोग को सबको डिवाइड करना है, एक कॉमन अमाउंट से हमें सबको बच्चों को डिवाइड करना है। ये मंत्र दिमाग में बिठा देना, ये मंत्र दिमाग में बिठा दो। कॉमन साइज बैलेंस शीट में मेरा एक ही मंत्र है, एक कॉमन अमाउंट से सबको डिवाइड करना है, ओके। तो अब वो कॉमन अमाउंट क्या होगा, हमारा टोटल, हमारा टोटल मतलब टोटल फंड्स अवेलेबल कितना था, 1,80,000, यही टोटल इधर भी आएगा, टोटल फंड्स अप्लाई कितना था, 1,80,000। तो ये कॉमन अमाउंट क्या है, टोटल। तो हम लोग हर किसी को टोटल से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना है मतलब परसेंटेज निकालना है।
तो इसको मैंने क्या ले लिया 100, क्योंकि 1,80,000 डिवाइड बाय 1,80,000 बच्चे लोग कितना आएगा, 100 ही आएगा, यस और नो? ओके, तो देखो हर एक हर किसी को, ईच एंड एवरीवन, हर अमाउंट को, अब पहला है 80,000, तो 80,000 डिवाइड बाय 1,80,000 कैसे मिलेगा बोलो, परसेंटेज कैसे मिलेगा? 80,000 डिवाइड बाय 1,80,000 इंटू 100 आप करोगे तो आंसर आएगा 44.44%। वैसे हर एक अमाउंट को 20,000 डिवाइड बाय 1,80,000, 20,000, तो एक बार कर दिया फिर से 20,000 ही है। बोलने का मतलब ये है हर एक अमाउंट को हम टोटल से डिवाइड करेंगे, 20,000 डिवाइड बाय 1,80,000, फिर 1,20,000 डिवाइड बाय 1,80,000। सबको मेरी बातें समझी? ईच एंड एवरी वन, यस और नो? 1,20,000 डिवाइड बाय 1,80,000, फिर 40,000 डिवाइड बाय 1,80,000। बार बार नहीं करने का, 20,000 तो पहले से किया हुआ है। हर अमाउंट को, ईच एंड एवरी वन, हर अमाउंट को हम किससे डिवाइड करेंगे? ईच एंड एवरी वन 1,80,000 से डिवाइड करेंगे। 1,20,000 डिवाइड बाय 1,80,000, 20,000 डिवाइड बाय 1,80,000, 60,000 डिवाइड बाय 1,80,000 इंटू 100 करेंगे, क्योंकि परसेंट निकालना है तो इंटू 100 करेंगे, तो ये आंसर आता रहेगा। तो आज का मंत्र क्या है? कॉमन साइज, तो बच्चे लोग ऐसे ही खत्म हो गया एक ही लाइन में। कॉमन साइज स्टेटमेंट बैलेंस शीट में हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, हर अमाउंट को टोटल से डिवाइड करना है। टोटल बोले तो जो टोटल फंड्स अवेलेबल है और टोटल फंड्स अप्लाइड है। सबको मेरी बातें समझी? तो वैसे ही आप सेकेंड ईयर का सारा अमाउंट लिख सकते हो, सेकेंड ईयर का सारा अमाउंट आप लिख सकते हो बराबर, और परसेंट निकाल सकते हो। उसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा? सेकेंड ईयर का जो टोटल रहेगा, टोटल फंड्स अवेलेबल, टोटल फंड्स अप्लाई, उन सबको, मतलब सबको उन टोटल से क्या करना है? डिवाइड करना है। एक ही मंत्र बोलूंगा फिर से कॉमन साइज के लिए, क्या मंत्र है? हर अमाउंट को टोटल से बच्चे लोग डिवाइड करना है। ये एक लाइन में मेरा कॉमन साइज बैलेंस शीट खत्म हुआ। आप लोग को छोड़ के नहीं जाना है, सबसे स्कोरिंग चैप्टर है, आपको नॉर्मल बैलेंस शीट बनाने को आना चाहिए। बच्चे लोग यस और नो? सबको मेरी बातें समझी? तो हमने वर्टिकल बैलेंस शीट कर दिया, हमने कंपेरेटिव कर दिया, और आज हमने कॉमन कर दिया। कॉमन में कौन से अमाउंट से डिवाइड करेंगे बोलो सब लोग? टोटल, टोटल मतलब सोर्सेज ऑफ फंड का टोटल और एप्लीकेशन ऑफ फंड का टोटल, जो क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। हर किसी को, आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, हर किसी को, हर अमाउंट को, हर एक अमाउंट को हम हमारे टोटल से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 80,000 डिवाइड बाय 1,80,000, तो 44.44 आएगा। 20,000 डिवाइड बाय 1,80,000, 11.11% आएगा। वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिवाइड तो आप कर सकते हो। होप्स आपको मेरी बातें समझी हो। थैंक यू वेरी मच।